हेलो दोस्तों, आज हम एक छोटे से कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्ज़िट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से मिलाना चाहता हूँ, ये जो जियोजित नाम की कंपनी है दोस्तों, अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 27 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। इसमें आपको बहुत बहुत अच्छा तेज़ी देखा जाएगा दोस्तों, बहुत अच्छा तेज़ी देखा जाएगा, मतलब बहुत स्पीड रहेगा स्टॉक में। अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो भाई भूलिएगा मत, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। ऐसे छोटे से स्टॉक में अगर हमें थोड़ी बहुत तेज़ी मिलती है तो हमें उसको ले लेना चाहिए। आप समझ रहे हो, बहुत अच्छा स्पीड के साथ आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इस कंपनी का जो प्राइस है ज़्यादा ज़्यादा क्यों इंक्रीज़ होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का जो अभी रिजल्ट आया है बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, अभी यहाँ देख सकते हो दोस्तों कितना प्राइस चल रहा था, 20 के आसपास चल रहा था दोस्तों, 27 के आसपास चला दोस्तों, ये 32 या 33 के आसपास भी जा सकता है। ठीक है, 32 या 33 के आसपास भी जा सकता है। तो मैं बोलूँगा दोस्तों ऐसे कंपनी पर फोकस रखना चाहिए, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको दम भर खरीदना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले तो अगर देख सकते हो कंपनी में बहुत ज़्यादा नुकसान भी था, यहाँ देख सकते हो 1 ईयर में भी 17% है, 1 मंथ में 2% है। ठीक है, और ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट का पर्पज़ से नहीं है। बहुत लोग हैं जो अपने पोर्टफोलियो में खरीद के रख लेते हैं, जो मॉर्निंग में वीडियो अपलोड होता है दोस्तों वो कुछ दिनों के लिए ही होता है, या आज या कल के लिए होता है ऐसे करके। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक को मत रखिएगा। पर आप नोटिस कर सकते हो कि जो मैंने बोला इसका प्राइस इंक्रीज़ होने के लिए हो रहा है कि नहीं है, क्योंकि अगर आप पेड सर्विसेज लेते हैं तो आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों जिस कंपनी का रिजल्ट आने वाला था पहले ही पता चल रहा है कि कौन सा कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, कैसा फाइनेंशियल कंडीशन है, क्या ग्रॉस NPA है, क्या प्रॉफिट है दोस्तों, क्या ग्रोथ है, तो सब कुछ देख के बता दिया जाता है। तो अगर आप लास्ट वर्किंग डे में खरीदते तो आज के डेट में तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। ठीक है, तो उसी तरह दोस्तों ये कंपनी में एक और जो एडवांटेज आने वाला है दोस्तों, उसका क्या है कि चाइना में जितना भी कोरोना वायरस फैल रहा है उसकी वजह से दोस्तों कुछ ऐसी भी है चीज़ें जो इंडिया को हार्म कर रहा है, मतलब नुकसान दे रहा है दोस्तों, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो इंडिया को एडवांटेज दे रहा है। हर एक चीज़ की दो पहलू होती है, एक अच्छी और एक बुरी। ठीक है, तो हम कैसे यूज़ करते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे भी इंडिया के कंपनी हैं जिनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है कोरोना वायरस की वजह से, ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो इस कंपनी को भी जो है दोस्तों थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हो ही रहा है। ठीक है, और कंपनी में अगर हम देख लेते दोस्तों किसी चीज़ में ये कंपनी पीछे नहीं है, इंटरेस्टिंग वैल्यू के छोड़ के। ठीक है, उसको छोड़ के बाकी सब अगर हम देखें तो 3% के आसपास जो है, 3.59 के आसपास जो है ये कंपनी डिविडेंड भी दे देती है। ठीक है, तो आज के डेट में इसमें जो है थोड़ी बहुत तेजी देखी जाएगी। तो दोस्तों अगर आप खरीदना चाहते हो तो बिल्कुल खरीदिए, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो, नहीं तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हो जिससे आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो आप जो है नोटिस करके भी देख सकते हो कि प्राइस इंक्रीज़ हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों कंपनी में बहुत अच्छी है, 62% के आसपास है, कंपनी में मोर देन 50% तो होना ही चाहिए, 60% है, वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हो जिसमें आपको एक दिन पहले बता दिया जाए और दूसरे दिन या तीसरे दिन, मतलब आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा से अच्छा प्रॉफिट मिले, तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। ये जो नंबर, ये व्हाट्सअप का परमानेंट नंबर है, इस नंबर पे जो है दोस्तों ये आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो भी हमारा सर्विस है वो पेड सर्विस है। तो मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है।